अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अब वहाँ पे है ना, यदि तुम लिख पाओ तो जैसे एक ब्लॉक से एन लिख और वो तो बड़ा बड़ा बच्चा आ जाता है। हमारे ब्याह सर भी मना कर कर गए इनको कि भाई स्कूल समय मत खेला। उनका बॉल देने से बस मना किया, तो हमने फिर मना भी किया कि आप फोटो को खींचे वीडियो का, तो हमारा फोन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और टोटल हमारा महिला स्टाफ महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती करी आपने उस समय। हम लोगों से बदतमीजी करी आपने। बहुत नहीं नहीं डरो, देखो वो वीडियो वायरल हुआ उसमें इज्जत तो आप लोगों की जा रही है। दोनों तरफ बराबर बराबर अंदर तक जितना आ जाए उतना कर दो। बाहर का ग्राउंड ग्राउंड का काम वो तो हम उठा लेते पन्नी का सब। तुम ही उठाते हो सब? कौन बोलता है करने के लिए? मैम बोलते है। कौन सी मैडम बोलती है? प्रिंसिपल। क्या बोलती है? ये उठा के बोलते अपने ग्राउंड में साफ सफाई दो। चलो तू करती है काम बेटा। क्या नाम तुम्हारा? राजवीर। कौन से स्कूल पढ़ते हो? ये धर्मनगर। कौन से स्कूल है? सरकारी। क्या काम करवाती है मैडम तुमसे यहाँ पे? पढ़ाई करवाते हैं और फिर मतलब रखा है कचरा अचरा तो उनको देखने का बोलते तो देख लेते हम, और फिर वो साफ सफाई कर देते और वो फिर साफ सफाई करने के बाद हम पढ़ने चले जाते स्कूल। और वो दूसरा को बड़ा बड़ा काम ताकत वगैरह तुम भी करते हो बाहर का जमा जमू काम? हाँ वो रखा था एक भैया के पाँव में लग गई थी इसलिए वो पत्थर को फोड़ के उठा के पटका दूसरी जगह दूसरे पटका। और बाहर के काम झाड़ू वाड़ू कौन लगाता है? ये झाड़ू वाड़ू तो आंटी जी लगा देते हैं। लगाती है जो काम करते हैं यहाँ पर। बस बस मैडम ये क्या है और आप क्या लिख रहे थे इसमें? वो तंबाकू निषेध क्षेत्र है, शाला परिसर से 100 मीटर के रेडियस में कोई भी बीड़ी शराब तंबाकू का प्रयोग करता हुआ यदि पकड़ा जाता तो कानूनन अपराध है। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होना चाहिए। पहले चल रही थी क्या? पहले नहीं, ये एक अभी तक तो नहीं थी। ये हेल्थ विभाग का एक वो है। हाँ हेल्थ विभाग का भी है और अपने छात्राओं को अपन सुरक्षित रख सके और कोई असामाजिक तत्व अपनों को परेशान ना करे अपने बच्चों को अपनी शाला को। किस पोस्ट पर हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? मैं श्रीमती नसीन जहाँ से प्रभारी पद पर हूँ यहाँ पर जवान नगर स्कूल प्रभारी। मैडम आप? मैं श्रीमती आशा दुबे, मैं भी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के पद। मैडम आप? मैं श्रीमती रजनी उपाध्याय, मैं भी जवाहर नगर स्कूल में हूँ सहायक पद। मैडम आप किसी का फोन तो टीम द्वारा आप लिख रहे थे कुछ जानवर पर चल रहे हैं तो इसके लिए आपने किसी आला अधिकारियों को कुछ किया? जी हाँ, हम लोगों ने हमारे डी ऑफिस में भी बोला गया है, यहाँ पर संकुल में भी बोला गया है और कमिश्नर भी हम लोगों ने लेटर दिया है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, वो आकर यहाँ पर शराब वगैरह पीते हैं, बॉटलें पड़ी रहती हैं और यहाँ सुपर नहीं आ पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि मॉर्निंग में एक बार व्यवस्थित गाय आ रही है सर। बोलिए जी। सुबह झाड़ू दिल जाए, परिसर साफ़ सुथरा रहे, बच्चे भी यहाँ पर साफ़ सुथरे में रहें, बैठें खेलें। कितने छात्र छात्रा हैं आपके स्कूल में? यहाँ पर लगभग 200 हैं। क्या टाइम है आपके स्कूल का? 10:30 से 4:30। जी। कितना स्टाफ है यहाँ? 12 का स्टाफ है हम लोगों का। मैडम किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं? बच्चों की रुचि किस हिसाब से? एक जब ये सिटी के शहरों के बीचों बीच मध्य स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों का एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, बिल्कुल ही झोपड़ी से अपन ये समझ लें कि बिल्कुल बैकवर्ड के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो जिनको सुविधाओं का अभाव रहता है।
हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से जितना भी प्रयास हो सके हम उनको वो सुविधाएं दे सकें, वो वातावरण दे सकें स्कूल में, क्योंकि वो छोटे छोटे घरों से आते हैं। अभी तक आपके बच्चों में कितने साल हो गए प्रभारी आपको? जी मुझे तो अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ये बताएं कोई बच्चे ने टॉप मारा या कोई अच्छा ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़े हुए नेवी में गए हैं, बढ़िया इंजीनियर बन गए हैं, अच्छे यहाँ से बहुत से बच्चे अच्छे पढ़कर आगे बढ़े। आपको खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। और जब इस तरह से परिसर देखते हैं जब क्या होता है? जब हमारा मन बहुत दुख जाता है ना, कितनी बार तो हम लोग ही प्रयास करते हैं, श्रमदान करते हैं, शिक्षक वगैरह हमारे कैबिनेट के बच्चे की शाला परिसर को हम स्वच्छ रख पाएँ, साफ रखें। मैडम एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके स्कूल का जी, जो बच्चे छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आप उनसे काम करवाते हो? नहीं, हम लोग उनसे काम नहीं करवाते, हम लोग एक्चुअली सैटरडे का दिन हमने रखा है श्रमदान गतिविधि दिन का है, तो हम मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रयास करते हैं कि श्रमदान करके अपनी शाला को स्वच्छ और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। क्या इसमें बच्चों का काम कराने के लिए आपने अधिकारी से स्वीकृति ली है क्या आपने? ये बाल कैबिनेट का गठन है हमारा, हमारे SMC में हमने ये प्रस्ताव रखा है, अगर वो उनके पेरेंट्स और पालक भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोगों का स्वागत करेंगे कि वो हमारा हमें सहयोग प्रदान करें और हम इस परिसर को अच्छे से। कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे जो आपके साथ आप श्रमदान कर रही हैं और बच्चों के पेरेंट्स को कहना है कि काम कर हमारे बच्चों से काम करवाया, कोई टाइल्स से जमा रहे थे तो कोई कुछ ग्राउंड सफाई करा रहे थे, कुछ ऐसा कुछ था? वो हमारे कैबिनेट के जो बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लासों के बच्चे, वो हमारा सहयोग करते हैं और उनको हम हमारी टीम में साथ रखते हैं।